सो हेलो मेरे प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब? आई थिंक बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आ रही है कि सर, अगर हमें इस बार नीट की काउंसलिंग में MBBS ना मिले तो उस कंडीशन में हम किस कोर्स में एडमिशन ले लें। जब हम यूट्यूब पे देखते हैं तो हर एक व्यक्ति की अपनी एक अलग ओपिनियन है। कुछ लोग बोलते हैं कि अगर आपको MBBS ना मिले तो आप BDS कर लो, BDS बहुत अच्छा कोर्स है। कुछ लोग बोलते हैं बेटा BDS ना करो, आप BMS में एडमिशन ले लो, BMS का जो स्कोप है बहुत अच्छा है। कुछ बोलते हैं बेटा BMS ना करो, आप BHMS कर लो, BHMS का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है और बहुत सारे पेशेंट निकल के आते हैं। तो एक्चुअल में आपको किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहिए, किसका स्कोप बहुत अच्छा है, आज अपनी इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा ताकि आप सब कुछ समझ सकें। अंतिम फैसला आपका होगा कि आप किस फील्ड में जो है अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। जैसे हमारी बॉडी अलग अलग सिस्टम से मिलकर बनी है, ऐसे ही हमारा मेडिकल सिस्टम अलग अलग जो है पद्धतियों से मिलकर बना है। MBBS नो डाउट बेस्ट कोर्स है, ठीक है, ऐसे ही BDS, BMS, BHMS, BUMS, वेटनरी साइंसेस, BPT और BSc नर्सिंग, ये वो कोर्सेज हैं जिनमें एडमिशन आपके नीट के स्कोर के बेस पे होता है। और सभी कोर्सेज का बहुत ज़्यादा स्कोप है, इस बात को आप समझ के चलिएगा। कोर्स कोई भी अच्छा बुरा नहीं होता है, उस कोर्स को करने वाले लोग अच्छे या फिर बुरे होते हैं। अब हम टॉपिक पे आते हैं। देखिए, BDS और BMS ये दो ऐसे कोर्सेज हैं जिनमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि वो किस कोर्स में एडमिशन लें। मैं आपको बता दूं कि अगर आप डेंटल साइंस में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, आप डेंटिस्ट बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप दांतों से जुड़ी हुई सभी प्रॉब्लम्स को ट्रीट करें, तो उस कंडीशन में आप BDS कर लीजिए। सिंपल सी बात है, ठीक है। वैकेंसीज सभी की आती हैं, चाहे वो MBBS की हो, चाहे वो BDS की हो, चाहे वो BMS की हो, कुछ में कम आती है, कुछ में ज़्यादा आती है, ठीक है। लेकिन आज का जो समय है, यहाँ पर मैक्सिमम बच्चे गवर्नमेंट जॉब को छोड़कर प्राइवेट प्रैक्टिस करना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपकी अपनी फील्ड बनती है और फ्यूचर में आपका अच्छा ग्रोथ रेट होगा, ठीक है। तो अगर आप दांतों से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स तक ही सीमित रहना चाहते हो तो आप BDS कर लो, बहुत अच्छा कोर्स है। MBBS के बाद जो है BDS जो है ट्रेंडिंग कोर्स में आता है, ठीक है। अब अगर हम BMS की बात करें तो आपको पता है कि BMS एक बहुत ही पुरानी चिकित्सा पद्धति है। अभी आपको लेटेस्ट बता दें कि कुछ दिन पहले जो भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान हैं, आप सभी के फेवरेट थाला महेंद्र सिंह धोनी, उनको नी पेन हुआ और वो उस नी पेन के ट्रीटमेंट के लिए आयुर्वेद में गए। उन्होंने सर्जरी या मेडिकल में MBBS डॉक्टर को प्रेफरेंस ना देकर उन्होंने एक आयुष पद्धति को अपने पास बुलाया या उनके पास गए ट्रीटमेंट के लिए। तो आयुष में क्या है कि आप कंप्लीट ट्रीटमेंट कर सकते हो, जैसे कि एक MBBS डॉक्टर अलग अलग बीमारियों का इलाज करता है, ऐसे ही अगर आप अलग अलग बीमारियों का इलाज करना चाहते हैं, आप फ्यूचर में अपना हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं, आप खुद की पॉली क्लिनिक रन करना चाहते हैं, तो मैं बोलूँगा कि आप BMS कर लीजिए और उसके बाद आयुष में ही MD कर लीजिए। आयुष एक बहुत ही अच्छी चिकित्सा पद्धति है। दिल्ली के जो CM है केजरीवाल जी, उनकी खांसी ठीक कैसे हुई? उन्होंने पंचकर्मा करवाया। पंचकर्मा आयुष का एक बहुत अहम पार्ट है और इससे बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां जिनका अभी तक मेडिकल साइंस में इलाज जो है सर्च किया जा रहा है, वह आयुष पद्धति से ठीक हुए हैं, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब तो सब में आती है, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, हॉस्पिटल्स, इन सभी कोर्सेज को करके आप हर कोर्स में वैकेंसीज में आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद का हॉस्पिटल रन करना चाहते हैं, आप मल्टीपल प्रॉब्लम्स को ट्रीट करना चाहते हैं, बॉडी के अलग अलग जो बीमारियां होती हैं, कोई रेस्पिरेटरी से जुड़ी है, कोई चेस्ट से जुड़ी हुई है, तो कोई कार्डियो से जुड़ी हुई है, सबका ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, तो आप BMS कोर्स में अपना फ्यूचर बना सकते हैं, ठीक है। मैंने बताया कि आखिरी फैसला आपका है। मैं आपको एक फैक्ट बता दूं कि आज के समय में पेशेंट हर एक डॉक्टर के पास जाते हैं, बस उस डॉक्टर के पास नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप BDS में अच्छा कर सकते हैं तो आप BDS में एडमिशन ले लीजिए,
अगर आपको लगता है कि आप BMS करके अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, उसके बाद MD करके खुद का हॉस्पिटल रन कर सकते हैं, तो आप BMS कर लीजिए। किसी दूसरे की द्वारा बताई गई बातें हमेशा आपके लिए फायदेमंद हो यह संभव नहीं होता है, ठीक है। ऐसे ही BHMS का अपना स्कोप है, मैं उस पर डिटेल वीडियो आप सभी को दे दूंगा। BSc नर्सिंग का डाटा आप सबको पता है कि प्रीवियस कुछ सालों में कितनी ज़्यादा वैकेंसीज आई हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, शायद ही कितनी वैकेंसियाँ किसी और कोर्स के लिए आई हूँ, ठीक है। आप जिस कोर्स में आपको दिल से आवाज आए उस कोर्स में एडमिशन ले लीजिए और रिलैक्स होके उस कोर्स को अच्छे से करिए, उसमें नॉलेज गेन करिए, उसमें PG करिए, और PG करने के बाद आप उस कैडर में अपना बेस्ट दीजिए। आप देखेंगे कि आपके पास नेम, फ्रेम, मनी सब कुछ आएगा और बेहिसाब आएगा। इन्हीं सब के साथ मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने कमेंट्स में दे सकते हैं। अगर आपके दिल में कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो वह भी आप हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके मैक्सिमम सवालों का आप सभी को आंसर दे सकें। इस वीडियो को आप सबने देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।